राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मुश्किलों में दिख रहे हैं। उनसे जुड़ी कंपनियों पर ईडी ने छापा मारा। 26 सितंबर को ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। इसके लिए दिल्ली से ईडी की कई टीमें कोटपुतली और बहरोड पहुंची। कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला मिड डे मील से जुड़ा है। ये एजेंसी मिड डे मील गड़बड़ी की जांच कर रही है, जिसके चलते यादव की कंपनी रडार पर है। इस साल प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों से लगातार ईडी की रेड खबरें सामने आई है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई। जी हां, दिल्ली से ईडी की कई टीमें कोटपुतली और बहरोड पहुंची हैं। कुछ दिन पहले आयकर विभाग की भी कार्रवाई हुई थी। मिड डे मील गड़बड़ी की जांच की जा रही है। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मंत्री के घर के बाहर कई गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं मंत्री के घर और कार्यालय पर लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद कर दी गई है। मंत्री राजेंद्र यादव मुश्किल में दिख रहे हैं। उनसे जुड़ी कंपनियों पर ईडी ने छापा मारा है। 26 सितंबर को ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके लिए दिल्ली से ईडी की कई टीमें कोटपुतली और बहरोड पहुंची हैं। कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। ये एजेंसियां मिड डे मील गड़बड़ी की जांच कर रही हैं, जिसके चलते यादव की कंपनियां रडार पर हैं। इस साल प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि बीते कुछ महीनों से लगातार ईडी की रेड की खबरें सामने आ रही हैं।